SBS News, सच का साथी। जिला हरदोई बेनीगंज कोतवाली के अंतर्गत करीम नगर जलालपुर ग्राम में एक मामूली गुटखा की पुड़िया को लेकर बुजुर्ग की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। आपको बताते चले कि करीम नगर जलालपुर ग्राम में देवनाथ अपनी दुकान पर बैठे थे। देर शाम ग्राम निवासी सोनू पुत्र दर्शन गुटके की पुड़िया लेने आया। देवनाथ ने दिया जलाया ही था, इसकी वजह से उधार देने से मना कर दिया, जिसके बाद दोनों में कहासुनी गाली गलौज होने लगी। बात इतनी बढ़ गई कि हाथापाई से जाकर हत्या पर बात थम गई। वहीं पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, लेकिन अभी भी तीन आरोपी पुलिस से कोसों दूर हैं। जिनके साथ आंटी जी ये घटना हुई वो आपके कौन थे? पति। और आपका नाम क्या है? हमारा राम प्यारी। अच्छा, ये घटना कैसे घटी? ये घटना पुरिया ले आ रहा है, पुरिया ले गए और फिर आ गए पुरिया ले, फिर ले गए पुरिया उधार। अब फिर तिबार हम आए तब कहीं 5 रुपए की उरी दे दी, तो वो कहीं अति तनिक दुकान हमारी अत्ते हम कैसे दे दी तुमका 25 रुपए केरी। तब चप्पल निकाल ली, तब कहीं यू तो आवा दुश्मन मालूम दे। हम कहीं देखो बटन टूटे, कहा बटन टूटी मार, तो हम कहीं बटन टूट नहीं है, बटन या देखो साझी। तब लाग गरिया हुए, जब गरिया हुए लाग तब वो गारी दी, तब मारा ही लाग, तब पकड़ लेगा बाहर मई, मतलब जाने थी मार डायरी से। तो किन लोगों ने मारा था, कितने लोग थे? सोनू और मिंटू दर्शन उषमा, चार लोग थे टोटल। और सोनू के पता नहीं छुटावत हो आ मारते हो। अच्छा, और बाकी हमें ये भी जानकारी मिली है आप कोई कानूनी कार्रवाई करते हैं तो आप लोगों की मारने की धमकी, आप लोगों को भी मारने की धमकी दी जा रही है? वो जी है। अच्छा, घर है मोबाइल गए नहीं है, कोई हाजिर नहीं। अच्छा, वो है धमकी दे रहे हैं फोन पे में। ये 10 रुपए की पुड़िया पहले दुकान थी हमारे, ठीक, और तो 10 रुपए की पुड़िया पहले ले गए उधार, फिर 10 रुपए उधार मांगा तो दिया गया, फिर मांगा गया तो 5 रुपए मांगा, तब उस 5 रुपए पर लड़ाई हो गई। अच्छा, तो उसने पकड़ के खींच के मारा, तुरंत तत्काल थवर मार डाला। अच्छा, मारा लाठी डंडों से, पहले चप्पल से मारा, फिर लाठी डंडों से मारा। अच्छा, किन लोगों ने मारा था? वो एक है सोनू, सोनू को दर्शन और मिंटू और उनकी पत्नी, चार लोगों ने मारा। पत्नी का नाम क्या है उनका? कुसुमा। कुसुमा ने। ये कब की घटना है? ये 5:30 बजे परसों, 6 तारीख था परसों, 3 तारीख, तीन परसों 3 तारीख 6 बजे रात शाम को, 6 बजे बाद, 6 बजे बाद आपने की घटना है। हाँ, आपने थाने में कंप्लेन नहीं की? सब हो चुका है। अच्छा, तो थाने वालों ने क्या कहा? थाने वालों ने पूरा रिपोर्ट लिखा, दावा हो गया समझ लो या नहीं हुआ, ये एक तो हाजिर है बाकी फरार है। अच्छा, एक को अरेस्ट किया है, बाकी 3 लोग फरार हैं। हाँ, 3 लोग भी फरार हैं। कौन सा गांव? जलालपुर गांव है, और करीमन का जलालपुर लिखना। आपका क्या नाम है? हमारा नाम है सिल्लू शर्मा। जिनके साथ ये हादसा हुआ वो आपके कौन थे? वो हमारे पापा थे, बेदई थाना बेनीगंज में जलालपुर गांव है, तो वहाँ वेदनाथ नाम के व्यक्ति की दुकान है। उनके पड़ोसी सोनू ने वहाँ जाकर उनसे कुछ पुड़िया मांगी, उधार मांगा था, जो उन्होंने देने से मना किया। इस पर कुछ होकर के सोनू ने उनकी पिटाई की, उनसे घर वाले भी आ गए, उन्होंने उनको पीटा और उसके एक वाइटल पार्ट पर चोट लगने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। इसमें मुकदमा कायम करके सोनू को गिरफ्तार कर लिया गया है और अगली कार्रवाई की जाएगी।